अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सबसे बड़ा सेल होगा? जैसे मैंने कहा कि ये सेल एक महीने चलने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले बिग बिलियन डे सेल होगा, फिर लास्ट दो ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, पिछले दो साल से बिग दिवाली सेल जो होता है ना वो सबसे बड़ा सेल होता है जो कि एकदम लास्ट में आता है। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह, और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से तो रुक जाओ, मैं कहूंगा रुक जाओ, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल जो है उसका टीजर जो है लैंडिंग पेज वो फ्लिपकार्ट पे आ चुका है। वैसे अभी तक डेट्स नहीं बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, कौन से कार्ड पे कितना तक ऑफ मिल सकता है, कब से चालू होगा, एंड बहुत सारी चीजों के ऊपर इन्फॉर्मेशन। पूरा वीडियो जरूर देखिए, एंड बात करते हैं बिग बिलियन डे सेल की। पहले मुझे लगा था कि 15th ऑफ अक्टूबर के बाद से चालू होगा, क्योंकि पिछले साल 15th ऑफ अक्टूबर के बाद आया था, क्योंकि दिवाली पिछले साल थोड़ी लेट थी। इस साल दिवाली जल्दी है तो पॉसिबली आपको जल्दी चालू होने वाला है। अब अभी से टीजर लैंडिंग पेज आ गया है, तो धीरे धीरे ये लोग ऑफर्स को रिवील करना चालू करेंगे सारे। कुछ चीजें बता दी गई हैं, कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं, जिसमें ये पता चला है कि हर चीज के ऊपर ऑफर आने वाला है आपको, अपैरल से लेके, ग्रोसरी से लेके, स्मार्टफोन से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, एंड जितनी भी चीजें होती है, फर्नीचर है, अप्लायंसेज है, सब चीजों के ऊपर आने वाला है, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। वैसे कैटेगरीज जो होंगे अलग अलग होंगे ऑफर्स के हर चीज पे, और हमारा मेन पॉइंट क्या है, स्मार्टफोन वाला। और सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा सेल होगा क्या ये, उसके ऊपर भी बात करेंगे लास्ट में, धीरे धीरे जाते रहेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं पहले बीबीडी सेल की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कब से कब तक चालू होगा, अभी डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन इस बार जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के बीच में रहेगा, यानी 4th या 5th अक्टूबर से 12th 13th अक्टूबर के बीच में आपको ये सेल देखने को मिलेगा। बट ये ऐसा नहीं है कि इसी टाइम खत्म हो जाएगा, ये सेल एक महीने चलेगा अलग अलग नाम से। जैसे बीबीडी सेल आया 13 तारीख तक, उसके बाद अगले दिन से ही आपको बिग सेविंग डे सेल चालू हो जाएगा, फिर मोबाइल बोनांजा सेल चालू, तो अलग अलग नाम से आते रहेंगे, लास्ट वाला बिग दिवाली सेल रहेगा। एंड बहुत सारे तगड़े ऑफर्स मिलेंगे आपको। कौन से ऑफर्स है, पहले कार्ड की बात कर लेते हैं। तो दो कार्ड्स दिए गए हैं इसमें, एक एक्सिस बैंक का कार्ड है, दूसरा आईसीआईसीआई का। क्वेश्चन आंसर में किसी ने मुझसे पूछा था कि आईसीआईसीआई वाला बिग बिलियन डे में आएगा कि नहीं। आएगा भाई, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। एंड दूसरी बात, कितना ऑफ मिल सकता है? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि पिछले साल वाले बिग बिलियन डे सेल में ना 2000 रुपए का ऑफ आता था कार्ड्स पे, 10% अप टू 2000, लेकिन लास्ट वाले सेल में पता नहीं क्यों कम कर दिया, 1250 रुपए कर दिया था, 1250 या 1500 रुपए के आसपास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब इस बार का देखने वाली बात होगी, एक्सपेक्ट करता हूं कि 2000 हो, लेकिन चांसेस थोड़े से वो लग रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं। सबसे बड़ा सेल है, कर दे 2000 रुपए, अच्छी चीज होगी। एंड उसके लिए आपको मिनिमम 5000 का स्मार्टफोन अगर आपको लेना है, एंड ये ऑफर्स लेने हैं, तो आपको मिनिमम 5000 की कार्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये कार्ट वैल्यू अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग होता है, जैसे अपैरल्स के लिए अलग होता है, ठीक है, एंड अप्लायंसेस के लिए अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग होता है, हर चीजों के लिए अलग होता है, स्मार्टफोन के लिए 5000 रहता है, अच्छी चीज है। इसके बाद आपको प्रीपेड वाले ऑफर्स भी मिलेंगे, मतलब प्रीपेड कार्ड करते हो तो एक्स्ट्रा 1000 का ऑफ, 2000 का ऑफ, 5000 का ऑफ, जैसे भी रियलमी X7 मैक्स के ऊपर चल रहा है ना 6000 रुपए वाला ऑफ, तो वो भी एक स्मार्टफोन पे आ सकता है, पॉसिबली रियलमी X7 मैक्स पे भी आए, वो देखने वाली बात होगी, अभी श्योर नहीं है इस चीज के लिए, बट आ सकता है। देन इसके बाद एक्सचेंज के भी ऑफर्स होंगे आपको बहुत सारे, यानी स्मार्टफोन एक्सचेंज करो तो 5000 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है, ये सारी चीजें ऑफ मिल जाती है, तो वो भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा इजी ईएमआई है, नो कॉस्ट ईएमआई है, देन इसके साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स होते हैं जो आपको इसमें सेल में मिलने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सबसे बड़ा सेल होगा? जैसे मैंने कहा कि ये सेल एक महीने चलने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले बिग बिलियन डे सेल होगा, फिर उसके बाद बिग सेविंग डे सेल आएगा। ऐसा नहीं है कि सेविंग डे ही है, हो सकता है मोबाइल बोनांजा पहले आ जाए, फिर अलग अलग नाम से, या फिर उसी नेम को एक्सटेंड करें वो लोग कुछ और दिनों के लिए, लेकिन जो लास्ट दो ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, पिछले दो साल से बिग दिवाली सेल जो होता है ना वो सबसे बड़ा सेल होता है, जो कि एकदम लास्ट में आता है, उसमें सबसे तगड़े ऑफर रहते हैं, क्योंकि लास्ट सेल होता है, सारी चीजें क्लियर करनी होती हैं, तो सबसे तगड़ा ऑफर उसी में ही आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अच्छा ऑफर मिले तो उसको छोड़ दो, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि कुछ अच्छे ऑफर बिग दिवाली सेल में पिछले दो साल से आ रहे हैं, अब इस साल का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, इसलिए मैं बता दे रहा हूं बिग दिवाली सेल पिछले दो साल में सबसे अच्छा वाला रहा है ऑफर्स के हिसाब से। एंड अगर अच्छे ऑफर्स आपको बिग बिलियन डे सेल में मिलते हैं, तगड़े ऑफ वाले, तो आप ले लीजिए, फिर वेट मत कीजिए किसी का। तो जो 6000-7000 वाले प्रीपेड वाले ऑफर है ना वो ले लीजिए, उससे तगड़ा नहीं आएगा, लेकिन स्टिल एक आध दो ऐसे ऑफर्स आते हैं बिग दिवाली सेल में जो कि बीट कर देते हैं बिग बिलियन डे को भी, तो वेट कर लेते हैं, देखते हैं उनका। इसके बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अमेजोन पे क्या आएगा, तो अमेजोन पे भी इसी टाइम अप्रॉक्स, अभी वो लोग इतना जल्दी रिवील नहीं करेंगे, वो लोग मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले रिवील करते हैं, इन लोगों ने 20 दिन पहले रिवील कर दिया है, 10-12 दिन पहले से आपको रिवील होना चालू हो जाएगा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, उस पे भी ऑफर्स रहेंगे, पॉसिबली इस पे आईसीआईसी और
एक्सिस बैंक का है तो उस पर आपको SBI या फिर HDFC इन दोनों में से कोई एक ऑफर आएगा। इन दोनों में से ज्यादा चांसेस है इन्हीं दोनों में से ऑफर है, अब दूसरा भी आ सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस है कि इन दोनों में आए। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन सा वाला आता है, जैसे आएगा वैसे और भी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। एंड उस पर भी करीब करीब एक महीने के आसपास सेल चलता है अमेजोन के ऊपर, तो जो लोग रेडमी के फोन खरीदना चाहते हैं, जो लोग वन प्लस के फोन खरीदना चाहते हैं, जो लोग सैमसंग के फोन खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए अमेजोन के सेल का। एंड यही सारे ऑफर एक्सचेंज वाले, प्रीपेड वाले, प्रीपेड वाले तो नहीं रहते वहां पे, अमेजोन कूपन वाले ऑफर रहते हैं, तो वो चीज देख लेना। एंड उस पर भी ऑफर्स आने वाले हैं। चलिए, बिग बिलियन डे सेल चालू होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, उसके बाद तो कंटिन्यूस एक महीने चलेगा सेल, सारे तगड़े ऑफर्स रहेंगे उसमें। आपको कोई स्मार्टफोन लेना था जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एंड कैसी लगी ये न्यूज़ सुन के आपको बता दीजिए। पसंद आया कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट खास नहीं करना, साइड पे देखो वेक्टर इमेज, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।